Hello everyone, welcome to our channel Scholars World. Today we are going to study Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions. तो आज हम Inverse Trigonometric Functions पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और NCERT के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. इसके पहले भी हमने ऑलरेडी तीन वीडियोज़ रिलीज़ किए Inverse Trigonometric Functions के. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट 4 of 5 है इन द सीरीज ऑफ 5 वीडियोस. ये फोर्थ वीडियो है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस तीन वीडियोस जरूर देखिए. उसमें आपको बेसिक्स क्लियर होगा और इसमें हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो दिस वीडियो इज पार्ट 4 of 5 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज. तो इसके पहले के जो तीन वीडियोस हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो तीन वीडियोस भी ज़रूर देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. तो इस वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. हमारा पहला क्वेश्चन, इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6. तो इस क्वेश्चन को बेसिकली वैल्यू निकालनी है. तो इसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, वो कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करके 13π/6 कर देते हैं, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. सो योर करेक्ट आंसर इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6 को आप बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं 2π + π/6. तो कॉस इनवर्स ऑफ 2π + π/6 यदि आपको करना है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. सिंस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π + θ इज कॉस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6. आप कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा विच इज π/6 एंड इट बिलोंग्स टू 0 to π. सो ये आपकी करेक्ट वैल्यू है. आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ टेन 7π/6. इसमें भी सेम केस है, आप टेन टेन कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 7π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करता. तो यदि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं करता तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं. आप इसको सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स ऑफ 10π + π/6. तो टेन इनवर्स ऑफ 10π + θ दैट इज 10θ. आप यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं 10π + θ इज 10θ. तो टेन इनवर्स ऑफ 10 कट जाएगा π/6 एंड इट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, दोनों इंक्लूडेड है. इस इज द करेक्ट आंसर. आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ. प्रूव दैट प्रूव 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 inverse 24/7. ये आपको प्रूफ करना है. तो ये प्रूफ करने के लिए आपको बेसिकली LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है. इक्वल प्रूफ करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं LHS से. LHS इज इक्वल टू 2 sin inverse 3/5. तो आप ले सकते हैं लेट sin inverse 3/5 इज इक्वल टू A. दिस इंप्लाइज साइन ऑफ A इज 3/5. इफ साइन ऑफ A इज 3/5 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन्स यदि मेरा एंगल ए होगा तो मेरा परपेंडिकुलर 3 है, मेरा हाइपोटेनस 5 है. सो आप इसको बी ले सकते हैं. सो देयरफॉर 3² + b² इज इक्वल टू 5² बाय पाइथागोरस थ्योरम PT. तो माय b² इज 16. सो माय b इज बेसिकली 4. सो देयरफॉर tan ऑफ a इज 3/b विच इज 3/4. तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं tan inverse 3/4 एंड माई a इज एक्चुअली sin inverse 3/5. तो दिस इज tan inverse 3/4. सो देयरफॉर LHS विच इज 2 sin inverse 3/5, इसको हम tan के टर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 tan inverse 3/4. तो 2 tan inverse x का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2 tan inverse x इज इक्वल टू tan inverse 2x/1 - x². ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए tan inverse 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स 3/2 इंटू 16 माइनस 9, सो दैट इज 7. तो दिस इज टेन इनवर्स 24/7, दिस इज व्हाट इज योर आरएचएस. इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये प्रूफ सॉल्व हो गया. तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं. प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36. इसको प्रूफ करने के लिए आप ले लीजिए एलएचएस. स्टार्ट करने के लिए साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू ए, दैट मींस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 8/17. तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. बी आपका एंगल ए है तो परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस 17 है. सो इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी आई विल से 8² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17². मतलब एक्चुअली आप इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको भी टेन इनवर्स में, ताकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लगा सकें. तो जब आप बी स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा 289, जो 17² होता है, माइनस 64, तो ये हो जाएगा 225. बेसिकली मेरा बी इज 15. तो बी इज 15. अब जब आप इसका टेन ए लिखेंगे, देयरफॉर टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 8/15. जब आपने 8/15 लिखा, इट मींस माय ए इज टेन इनवर्स 8/15. तो व्हाट इज माय ए? दैट इज एक्चुअली साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15. तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर दिया. उसके बाद आप ले सकते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी, इट मींस साइन बी इज इक्वल टू 3/5. तो आप एंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज माय बी, दिस माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय हाइपोटेनस. तो ये एंगल हो जाएगा 4, ये बी आएगा. कैसे निकालेंगे आप? बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस 3² इज इक्वल टू 5². तो माई बी स्क्वायर इज 16, सो माई बी इज 4. देयरफॉर टेन ऑफ बी इज 3/4. इट मीन्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4. एंड वॉट वॉज बी एग्जैक्टली? बी इज साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4. जब आपने ये दोनों निकाल लिया तो अब आप कह सकते हैं देयरफॉर माई एल एच एस इज आपने जब tan a tan b निकाल लिया तो एक दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आप बोल सकते हैं बाय फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b. तो tan ऑफ a की आप वैल्यू रख दीजिए, tan ऑफ a की जो वैल्यू आएगी दैट इज 8/15 प्लस टेन बी की वैल्यू रख दीजिए दैट इज 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4. ये 2 जा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये 5 जा, तो 2/5, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. न्यूमरेटर में आपने एलसीएम ले लिया 15 और 4 दैट इज 60, 32 प्लस 45 अपॉन, इसमें आपने एलसीएम ले लिया 2/5 माइनस 2 3/5. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, टेन ए प्लस बी इज एक्चुअली 77 अपॉन 60 इंटू 5/3 विच इज 77/36. और टेन ए प्लस बी आ गया, तो इस टेन को अब आप साइड चेंज कर दिया राइट हैंड साइड पे,
हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77 अपॉन 36। और ए का जो एजम्पशन है आप देख लीजिए, तो प्रीवियस हमने ए का एजम्पशन लिया था दैट इज साइन इनवर्स 8/17। दिस इज साइन इनवर्स 8/17 प्लस जो बी का एजम्पशन है, जो बी का एजम्पशन आपने लिया है दैट इज टेन इनवर्स दैट इज साइन इनवर्स 3/5। तो प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/13। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। तो आइए चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। यह एग्जैक्टली सेम मेथडोलॉजी में बेस्ड है, तो मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए फास्ट करूँगा। आई विल से लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज ए, दैट मीन्स कॉस ए इज 4/5। तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज ए, बेस इज 4, दिस इज 5, दिस परपेंडिकुलर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो बेसिकली पी इज 3। You can say that साइन a की वैल्यू क्या आएगी आपके लिए, दैट इज 3/5। सिमिलरली लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू b, इट मीन्स cos b इज 12/13। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज b, तो माई बेस इज 12 एंड दिस इज 13। पी हमें नहीं पता, तो पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो आप पी निकाल सकते हैं, 169 - 144 दैट इज 25। बेसिकली माई पी इज 5। सो देयरफॉर साइन बी की आप वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज 5/13। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस ऑफ ए प्लस बी का, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में टैन इनवर्स था, तो हमने फॉर्मूला लगाया था टैन ऑफ ए प्लस बी का। इसी में इसके राइट हैंड साइड में फिफ्थ क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस इनवर्स। तो आप कॉस का फॉर्मूला लगाइए किसके लिए, ए और बी के लिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिंपली आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, मीन्स कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए ऑलरेडी आपने एज्यूम किया हुआ है 4/5, कॉस बी ऑलरेडी आपने एज्यूम किया हुआ है 12/13 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू आई है 3/5 इंटू साइन बी दैट इज 5/13। तो आपने जब एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी दैट इज 48 - 15। तो 48 - 15 इज 33 अपॉन 65। तो 33/65 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप जब इसे शिफ्ट करेंगे तो आप बोलेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ए प्लस बी की आप वैल्यूज़ रख दीजिए, ए प्लस बी की जब आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 एंड रूट। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें सॉल्व करना है। ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज ए, इट मीन्स कॉस ए इज 12/13। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, कॉस मीन्स बेस आपका 12 है और ये 13 है, तो आपको परपेंडिकुलर लेना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इज 25, इट मीन्स पी इज 5।
सो आप साइन ही निकाल सकते हैं, साइन ए इज एक्चुअली 5/13। फिर आप नेक्स्ट एजम्पशन ले सकते हैं कि साइन इनवर्स, तो आपका दूसरा टर्म है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी, इट मीन्स साइन बी की जो वैल्यू है 3/5 है। तो ये एंगल ए था, इसी में आप जब ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल तो ये आपका एंगल बी है और ये 3 है ये 5 है, आपको बी नहीं पता तो आप बोल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आएगी 4। तो जब बी की वैल्यू आ गई तो आप इसमें से निकाल सकते हैं कॉस बी, कॉस बी इज 4/5। जब आपको दोनों आ गया और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स है तो आप बोल सकते हैं बाय फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू इज 5/13, सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू है 4/5 प्लस कॉस ए की जो वैल्यू है दैट इज 12/13 इंटू साइन बी की जो वैल्यू है दैट इज 3/5। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 20+36 दैट इज 56/65। जब आप इसको चाहें तो साइन चेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो ए की वैल्यू जो होगी दैट इज कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है दैट इज टैन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको करने के लिए आप जो राइट हैंड साइड के टर्मिनोलॉजीज हैं उसको एज्यूम कर सकते हैं, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू ए, इट मींस माय साइन ऑफ ए इज 5/13। आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये ए है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस मुझे नहीं पता, जब बेस नहीं पता तो मुझे बेस कैलकुलेट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, तो बेसिकली बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा 144, इट मीन्स माई बी इज 12। तो आप देयरफॉर टैन ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 5/12। लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी, इट मीन्स कॉस बी इज 3/5। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस बेस इज 3, दिस इज 5, पी हमें नहीं पता, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आप पी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं 16, आपका पी आ जाएगा 4। सो देयरफॉर टैन ऑफ एंगल बी इज 4/3, आप ये ले सकते हैं। आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में टैन इनवर्स है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टैन ऑफ ए प्लस बी का, तो इसका फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए की जो वैल्यू दैट इज 5/12 प्लस टैन बी की जो वैल्यू दैट इज 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो आप चाहें तो 36 का एलसीएम ले लीजिए दैट इज 15 प्लस 48 अपॉन 36 इंटू 9/9 - 5 दैट इज 4। तो आप देखेंगे तो ये 4 जा एंड 15 प्लस 48 दैट इज 63, तो ये आंसर में आएगा 63/16। तो आप साइड चेंज कर दीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स 63/16 और
ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, व्हाट इज ए एंड बी, दैट इज साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज टैन इनवर्स 63/16। तो बेसिकली इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये जो क्वेश्चन हैं इस तरीके से करेंगे, क्लियर कट सॉल्व होएगा, नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का है टैन इनवर्स 1/5 प्लस टैन इनवर्स 1/7 प्लस टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। तो बेसिकली दो बार टैन इनवर्स आ रहा है, तो हम अपने एल एच एस से स्टार्ट करेंगे। एल एच एस से टैन इनवर्स 1/5 प्लस टैन इनवर्स 1/7 प्लस टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/8। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसके लिए भी आप लगा सकते हैं टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आप सॉल्व कर दीजिए, टैन इनवर्स 12/35 इंटू 35/34। सिमिलरली दिस इज टैन इनवर्स 11/24 इंटू 24/23। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 35 विल गेट कैंसल एंड दिस इज 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं 6/17। तो टैन इनवर्स 6/17 और इसमें आप कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा टैन इनवर्स 11/23। आप फिर से एक बार अप्लाई कर दीजिए टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 17 और 13 इसका शॉर्टकट मैं आप लोग को सिखा देता हूँ, और उसके पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट हैंड साइड में आप ज़रूर लिखिए, और 17 और 13 इसका जब आपको प्रोडक्ट निकालना है और आपको नहीं याद है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। 17, 13, 1, 2, 5, 7, 2, 1, 2, 2, 2, 1। सो इट इज टैन इनवर्स 13 1 2 5 7 2 1 2 2 1। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने 23 को 13 ले लिया था, ये शुड बी 23। तो एलसीएम के लिए आपको 17 और 23 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, दैट इज 5 एंड 14, इट इज 391। टू सिक्सटी फाइव इसमें से आप 391 माइनस करेंगे तो ये आएगा 265, दैट इज टैन इनवर्स 1। टैन इनवर्स 1 में दैट इज π/4। सो दिस इज योर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th इज प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स।
आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ. सो विल स्टार्ट फ्रॉम आर आरएचएस. माय आरएचएस इज हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो हम एजम्पशन लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा और रूट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा और टेन इनवर्स रूट एक्स इज थीटा. देन माई आर एच एस इज चेंज्ड दैट इज हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा का. तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया तो बचा हाफ इंटू 2 थीटा. ये बचेगा थीटा. तो माई थीटा इज 10 इनवर्स रूट एक्स. दिस इज माई एल एच एस हेंस प्रूव्ड. ये स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स. एंड दिस वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू एक्स बाय टू. तो ये हमें प्रूफ करना है ये एक्स बाय टू होता है. तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली कॉट इनवर्स. तो आप स्टार्ट करेंगे हमारे एल एच एस से. माई एल एच एस इज कॉट इनवर्स. वन को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. ये पूरा रूट में पहला टर्म होगा और प्लस जो दूसरा टर्म आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. यह आपका न्यूमरेटर. सिमिलरली अपॉन डिनोमिनेटर के लिए आप क्या करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. ये फर्स्ट टर्म आएगा माइनस जो सेकेंड टर्म आएगा दैट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. तो आइए आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का रूट. ऑलरेडी यहाँ पे कॉट इनवर्स था ही प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू और ये होल स्क्वायर है होल अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया देन इट इज कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू. तो आप देखिएगा साइन साइन कट गया तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन टू साइन एक्स बाय टू. टू टू भी कट गया तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय टू. तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू. तो कॉट कॉट भी कट गया तो हो जाएगा एक्स बाय टू. दिस इज वॉट इज योर आर एच एस एंड प्रूव. सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज पार्ट 5 हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज के. टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.